ये बहना लगी या क्या है इतना भीड़। दोस्तों तो अभी मैं आप लोग को लेके आया हूँ महाबलेश्वर का एक और घूमने की जगह में। अभी मैं जो आया हूँ इस जगह का नाम है वेना लेक। ये जो लेक है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है वेना लेक। ये बहुत बड़ा लेक है और यहाँ पे बोटिंग होता है, तो हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे बोटिंग करें। तो हमारा जो फ्रेंड है वो लाइन पे लगा है, वो टिकट निकाल रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, टिकट आएगा तो हम लोग यहाँ पे ये लाइफ जैकेट पहन के बोट में उतरेंगे। हम लोग वो वाला बोट लिए है, वो जो पैर से चलाते हैं ना वो वाला, हाथ वाला जो बोट है ना वो नहीं लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों मैं आपको बोटिंग का जो चार्जेस है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पैर से चलाने वाला जो नाव है वो अगर लेते हैं तो उसके लिए आपको 1 घंटे का ₹600 देना है, जिसमें आप मैक्सिमम 6 जन आराम से जा सकते हो। और अगर आपको हाथ से चलाने वाला नाव चाहिए तो उसके लिए आपको 1/2 घंटे का ₹400 देना है और 1 घंटे का ₹800, जिसमें आप 7 जन आराम से जा सकते हो। और ये दोनों अगर लेना है तो दोनों के लिए आपको ₹1000 डिपॉजिट देना ज़रूरी है। आज स्पेशली सैटरडे है तो भीड़ देख रहे हो, आज आप कितना भीड़ है यहाँ पे देखो। दोस्तों महाबलेश्वर और ये जो वाई और पंचगनी का जो रूट है ना, यहाँ पे हर 1/2 घंटे में बस चलता है, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा महाबलेश्वर और मैप्रो गार्डन ऐसा घूमने के लिए। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि टैक्सी ज़्यादा चलता नहीं है, और काली पीली टैक्सी चलती है जो बहुत रेयर, मतलब बहुत ही कम ही चलती है। ऑटो नहीं चलता है, चलता है तो सिर्फ बस चलता है, और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हर आधे घंटे में फ्रीक्वेंसी है। बोलने देना है गरीबो, मेरे को बोलने देना जरा। गाड़ी चला, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी चला। हर 1/2 घंटे में बस चलता है, घर काम करने वाला होना चाहिए। हर 1/2 घंटे में बस चलता है, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा घूमने के लिए। और वेना लेक अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने दिखाया टिकट काउंटर था उसके ऊपर ही वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, जो ₹200 पर पर्सन लेते हैं। हाँ, तो वहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो, नहीं तो आप बोट राइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल तो हम ₹600 दिए हैं तो ₹600 का मज़ा उठा रहे हैं अभी 1 घंटे का। वो सामने एक मंदिर भी है, दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। वहाँ पे एक मंदिर भी है, छोटा सा लाइट जल रहा है, वहाँ पे मंदिर भी है। और ये साइड में बहुत सारे रिजॉर्ट भी है, देखो वहाँ पे रिजॉर्ट है, वहाँ पे रिजॉर्ट है। और ये साइड में अभी भी ये बोटिंग चल रहा है इन लोग का। अभी यहाँ पे एक अच्छा वाला सदाबहार नगमे वाला गाना चलता है ना, तो और मज़ा आ जाता है इस टाइम। बाप रे, बोट कितना हिल रहा है। अरे मेरे को बचा लिया। चलो हमारा ₹600 पूरा शोध हो गया, बोटिंग कर ली हमारा। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट बोटिंग था ये वेना लेक का। अभी यहाँ पे ₹1000 डिपॉजिट दिया है, वो डिपॉजिट लेना है। हाँ, मतलब टिकट निकालते वक्त आपको ₹1000 डिपॉजिट देना है यहाँ पे, तो वो डिपॉजिट आपको अगर जो टाइम दिया है, मतलब वो टाइम पे अगर आप आ गए तो वो डिपॉजिट आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आप वो टाइम पे नहीं आए तो वो डिपॉजिट आपको नहीं मिलेगा, उस डिपॉजिट से आपको कट होके मिलेगा। देखिए वेना लेक के साइड में अगर आपको खाना भी खाना हो तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, देख लो। तेरे को हाँ चाय पिए, चलो। नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अरे नहीं है, अरे नहीं नहीं भाई, वो हम लोग घर लेके जा रहे हो भाई, घर लेके जा रहे हो, घर लेके जा रहे हो ना,
घर लेके जाए। तो दोस्तों मैंने आप लोग को वेना लेक घुमा दिया। अभी यहाँ पे ना एक मेला लगा हुआ है बाजू में, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मेला घूम लेता हूँ थोड़ा, महाबलेश्वर का मेला कैसा लगता है वो भी देख लेता हूँ थोड़ा। ये स्ट्रॉबेरी ये शायद मेला नहीं है, ये दिल्ली का है। दिल्ली लगता है शायद, यहाँ पे मेला नहीं है। दोस्तों ये वाला मेला नहीं है, ये एक्चुअली दिल्ली है। यहाँ पे दिल्ली लगता है, दुकानें वुकाने हैं। हम लोगों ने लाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा देखा तो सोचा कि मेला है, तो यार मेला नहीं है यार। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे एसटी बस नहीं चलता है, रात हो गया है ना, 8 बजने को है, तो एसटी बस नहीं चलता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक ऐसे ही गाड़ी बुक की है जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन 500 में हम लोग को जहाँ पे होटल है रिजॉर्ट वहाँ पे पहुँचा देगा। तो दोस्तों वहाँ से वेना लेक से निकलने के बाद हम अभी यहाँ पे अपना रिजॉर्ट पहुँच गए हैं। वहाँ पे एक्चुअली 8:30 बजे एक एसटी बस भी है, वो भी चलता है। वो ज़्यादा हमें मालूम नहीं था, किसी ने तो बताया था कि रात को यहाँ पे बस नहीं है, लेकिन बाद में एक लोकल ने बताया कि यहाँ पे बस चलता है 8:30 बजे रात को, एक एसटी बस है जो कि महाबलेश्वर से लेके वाई या तो पंचगनी तक चलता है। तो हम लोग उससे तो नहीं आए, बस से नहीं आए, वो जो कैब बुक की थे हम लोग उससे आए। और फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं अब आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज़ देखते हैं वो लोग प्लीज़ बस एक बार सब्सक्राइब कर दें, और जो नोटिफिकेशन बटन है वो ऑन कर ले, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।